वेलकम टू अभिजीत मिश्रा चैनल। नमस्कार दोस्तों, अभिजीत मिश्रा चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अभिजीत मिश्रा चैनल में। दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था वैदिक संस्कृति से कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को, और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं महाजनपद काल से कुछ परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने लगभग 50 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है जो कि आने वाले सभी प्रकार के परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी है। तो चलिए आज का यह वीडियो प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक बटन पर क्लिक जरूर करें, और आपके मन में यदि कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए आज का वीडियो देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पहला प्रश्न है कि हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था। तो हर्यक वंश के अजातशत्रु को ही कुनिक कहा जाता था, तो इसलिए इसमें सी ऑप्शन सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी। तो पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना उदीन ने की थी, तो इसलिए इसमें बी ऑप्शन सही है। फिर अगला प्रश्न है कि शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। तो काकवर्ण के नाम से काला शोक को जाना जाता है, तो इसलिए इसमें बी ऑप्शन सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। तो इसकी मृत्यु हुई थी बेबीलोन में, तो इसलिए इसमें बी ऑप्शन सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिकंदर महान एवं पोरस या पुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था। तो सिकंदर महान एवं पोरस की सेनाओं ने झेलम नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था, तो इसलिए इसमें बी ऑप्शन सही है। फिर अगला प्रश्न है कि पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है। तो पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को भोजक या ग्राम भोजक कहा गया है, तो इसलिए इसमें बी ऑप्शन सही है। फिर अगला प्रश्न है कि उज्जैन का प्राचीन नाम था। तो उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था, तो इसलिए इसमें ए ऑप्शन सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नंद वंश का संस्थापक कौन था। तो नंद वंश का संस्थापक महापद्मानंद था, तो इसलिए इसमें ए ऑप्शन सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीक या यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जेंड्रीमीज कहा गया है। तो अग्रमीज या जेंड्रीमीज धननंद को कहा गया है, तो इसलिए इसमें डी ऑप्शन सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया। तो प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण ईरानियों द्वारा किया गया, तो इसलिए इसमें ए ऑप्शन सही है। फिर अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया। तो प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण यूनानियों द्वारा किया गया था, तो इसलिए इसमें बी ऑप्शन सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने
भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे पारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया। तो ईरान के डेरियस या दायर प्रथम ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया था। तो इसलिए इसमें बी ऑप्शन सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेडेस्पिज या बिस्तता का युद्ध किन किन शासकों के बीच हुआ? तो हेडेस्पिज या बिस्तता का युद्ध सिकंदर एवं पोरस के बीच में हुआ था। तो इसलिए इसमें ए ऑप्शन सही है। फिर अगला प्रश्न है कि सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो सिकंदर ने भारत पर 326 ईस्वी पूर्व में आक्रमण किया। तो इसलिए इसमें ए ऑप्शन सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रथम राजधानी गिरिब्रज या राजगृह थी। तो इसलिए इसमें सी ऑप्शन सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो उदीन द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया। तो इसलिए इसमें सी ऑप्शन सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। तो 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में। तो इसलिए इसमें बी ऑप्शन सही है। फिर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो धनानंद राजा सिकंदर महान का समकालीन था। तो इसलिए इसमें बी ऑप्शन सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? तो प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष 6ठी सदी ईस्वी पूर्व में हुआ था। तो इसलिए इसमें बी ऑप्शन सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। तो अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी जो कि कलिंग में। तो इसलिए इसमें सी ऑप्शन सही है। फिर अगला प्रश्न है कि पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, तो वह पहला ईरानी शासक डेरियस था जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। तो इसलिए इसमें सी ऑप्शन सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? तो मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव बज्जी संघ यानी वैशाली गणराज्य के साथ हमेशा युद्ध रहा। तो इसलिए इसमें ए ऑप्शन सही है। फिर अगला प्रश्न है कि नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो नंद वंश का अंतिम सम्राट धनानंद था। तो इसलिए इसमें बी ऑप्शन सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? तो भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन 600 ईस्वी पूर्व में हुआ। तो इसलिए इसमें सी ऑप्शन सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजातशत्रु, बिंदुसार, प्रसेनजीत, इनमें से कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे? तो बुद्ध के समकालीन अजातशत्रु और प्रसेनजीत थे। तो इसलिए इसमें सी ऑप्शन सही है। फिर अगला प्रश्न है कि मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा के चिकित्सा के लिए भेजा था? तो मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को अवंती राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था।
तो इसलिए इसमें सी ऑप्शन सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया। तो शिशुनाग शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया। तो इसलिए इसमें सी ऑप्शन सही है। फिर अगला प्रश्न है कि किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया। तो बिंबिसार मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया। तो इसलिए इसमें ए ऑप्शन सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया। तो शिशुनाग ने काशी का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया। तो इसलिए इसमें डी ऑप्शन सही है। फिर अगला प्रश्न है कि काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया। तो काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में अजातशत्रु ने किया। तो इसलिए इसमें बी ऑप्शन सही है। फिर अगला प्रश्न है कि सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था। तो सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर नंद वंश का शासन था। तो इसलिए इसमें ए ऑप्शन सही है। फिर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा एक ईसा पूर्व 6 सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था। तो मगध ईसा पूर्व 6 सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था। तो इसलिए इसमें डी ऑप्शन सही है। फिर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी। तो मगध में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी। तो इसलिए इसमें डी ऑप्शन सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे सेनिया कहा जाता था। तो सेनिया बिंबिसार को कहा जाता था। तो इसलिए इसमें ए ऑप्शन सही है। फिर अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन कहा जाता था। तो उग्रसेन महापद्मानंद को कहा जाता था। तो इसलिए इसमें ए ऑप्शन सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था। तो इसमें हेरोडोटस सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था। तो इसलिए इसमें डी ऑप्शन सही है। फिर अगला प्रश्न है महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था। तो महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को श्रेष्ठीन कहा जाता था। तो इसलिए इसमें ए ऑप्शन सही है। फिर अगला प्रश्न है गृहपति का अर्थ है। तो गृहपति का अर्थ होता था धनी किसान। तो इसलिए इसमें ए ऑप्शन सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया। तो वह अजातशत्रु थे। तो इसलिए इसमें बी ऑप्शन सही है। फिर अगला प्रश्न है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया। तो विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया। तो इसलिए इसमें डी ऑप्शन सही है। फिर अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। तो अंगुत्तर निकाय जो है एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। तो इसलिए इसमें ए ऑप्शन सही है। फिर अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा। तो कौशाम्बी मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा। तो इसलिए इसमें डी ऑप्शन सही है।
तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, तो लाइक ज़रूर करें, इसे अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, और यदि आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को ज़रूर दबा लें, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो इसकी सूचना मिले आपको सबसे पहले। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।